बिजनौर में विश्व दिव्यांगता दिवस पर दिव्यांग संगठनों ने अनेक मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय में सौंपा। दिव्यांगों ने मांग की है कि उन्हें सरकारी पदों पर भर्ती किया जाए। राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन की बैठक टाउन हॉल में होने के बाद दिव्यांग प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम कार्यालय के आगे धरना दिया। वक्ताओं ने कहा कि बार बार धरना प्रदर्शन करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है, कोई भी अधिकारी या नेता उनकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ज्ञापन में दिव्यांग आयोग का गठन करने, लोकसभा आदि में दिव्यांगों का 10% कोटा आरक्षित करने, दिव्यांग आरक्षण 4 से बढ़ाकर 10% करने, दिव्यांग पेंशन 3,000 रुपये मासिक करने, दिव्यांगों को निःशुल्क शिक्षा देने आदि की मांग की गई। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष MR पाशा, जिलाध्यक्ष रियासत राजा विकास सदाकत हुसैन, मोहम्मद इमरान, फिरोजा परवीन, सुमित शबाना खातून, मेहताब तरुण कुमार आदि मौजूद रहे। मांगे पूरी नहीं होगी, हमने आज DM साहब का घिराव किया है, जब तक DM साहब हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे। यहाँ हम लोग जो आए हैं किसी के चक्कर में या अपनी परेशानी को लेकर आए हैं, ना तो तुम्हारा कोई अधिकारी सुनने के लिए। बोल कर भाई, नारा करो भाई, अरे भाई नारा यार। मेरा नाम MR पाशा है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन हूँ। हम जो संगठन चलाते हैं राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के नाम से, उसमें दिव्यांग, गरीब, युवा वर्ग, महिलाएं, विधवा, किन्नर, इन लोगों के लिए हम संघर्ष करते हैं। हम बार बार कम से कम 2 साल से ज्ञापन दे रहे हैं माननीय जिलाधिकारी के नाम, SDM साहब के नाम, माननीय मुख्यमंत्री के नाम, राज्यपाल के नाम। हमने कम से कम हमारी जो मांग है दिव्यांगों की और गरीब लोगों की, कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अधिकारी हमें आश्वासन देते हैं कि आपकी सुनवाई होगी, जिलाधिकारी आदेश करते हैं अपने उन लोगों को जो अधीनस्थ हैं, लेकिन वो उनकी बात ही नहीं सुनते। CM को क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग ये है, जितने भी नगर पालिका नगर पंचायत हैं उन पर दिव्यांगों के रैम बने और उनको पेंशन मिले, 3,000 रुपये पेंशन हो, और जो बेरोजगार हमारे दिव्यांग लोग हैं उनको रोजगार मिले और ऋण की व्यवस्था हो, उन लोगों को अंत्योदय कार्ड बनाया जाए, सरकारी आवास दिलाया जाए, लेकिन कुछ नहीं मिल पा रहा हमारे लोगों को, कुछ भी नहीं मिल रहा। उत्पीड़न हो रहा है लोगों का। हम चाहते हैं एक प्रदेश में दिव्यांग आयोग बनाया जाए और उसका अध्यक्ष दिव्यांग हो, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद और इनमें लोकसभा में जो 4% आरक्षण है दिव्यांगों का वो लागू किया जाए, लेकिन अफसोस है हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं हो पाई है। आज हम मजबूरन जिलाधिकारी कार्यालय घेराव किया हमने, और हम जब तक नहीं हटेंगे जब तक हमें ठोस आश्वासन नहीं मिल जाएगा। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा, हम माननीय जिलाधिकारी महोदय का घेराव करेंगे, हटेंगे नहीं, क्या हमें जेल जाना पड़ेगा।